हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लौकी का हलवा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लौकी को छील करके साफ़ कर लिया है, इसके बीच का पार्ट निकाल देंगे। और यहाँ मैंने खोया लिया है एक कटोरी, आधी कटोरी घी लिया है और एक कटोरी चीनी लिया है, और कुछ मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और पिसी हुई इलायची और एक ग्लास दूध लिया है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो दूध की क्वांटिटी को आप डबल कर दीजिए, तब भी हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हम लौकी को ग्रेट कर लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए बड़े बड़े लच्छेदार कुछ इसी तरह से ग्रेट करेंगे। अब हम यहाँ पर पूरी लौकी को ग्रेट कर लिया। तो ये देखिए लौकी ग्रेट हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में अब हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी गरम हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें लौकी डाल देंगे। तो ये देखिए घी गरम हो चुका है, अब हम यहाँ पर लौकी डाल रहे हैं। चला देंगे इसको अच्छे से और इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, जब तक लौकी सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए हमको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है और इसको लगातार चलाते रहेंगे। और अब हम यहाँ पर दूध डाल देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया और अब इसको फिर से 3 से 4 मिनट तक चला देंगे। हाई फ्लेम कर देंगे अब हम। ये देखिए उबला अच्छे से, अब ये दूध थोड़ा कम हो गया है और अब हम यहीं पर चीनी डाल देंगे और इसको फिर से हम 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। इसको भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर दूध काफ़ी सोख गया है। और अब हम यहीं पर खोया डाल देंगे और मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने खोया डाल दिया और मिक्स करेंगे इसको, इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि कोई भी गांठ ना पड़ जाए। मिलाएंगे अच्छे से, कोई गांठें नहीं रहनी चाहिए इसमें। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने मिला दिया है। हलवा जो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब हम यहाँ पर 1 पिंच फूड कलर डाल रहे हैं, ग्रीन कलर। ये सिर्फ कलर के लिए है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकती हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ जाएगा अभी इसको डालने से। और अब यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और मिला दिया अच्छे से। और अब हम थोड़ा सा घी डाल के भूनेंगे। ये देखिए मैंने घी डाल के भूना है। घी बाद में ज़रूर डाल के भूने, इससे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर भून दिया है, 1 से 2 मिनट तक इसको भूनना है और ये हलवा बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए हाँ, मैंने सर्व कर दिया है कुछ इस तरह से। तो आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये हलवे की रेसिपी,
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।